हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 9 से संबंधित ये पहला वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन है वही कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्ट डायरेक्टर क्लब ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? लुई पेडलार और अर्नेस्ट एल्मो कोलकिन, वान गॉग व लुई पेडलार, पिकासो व ब्राक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, लुई पेडलार और अर्नेस्ट एल्मो कोलकिन। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? सलमान खान, महेश काले, रिद्धि सेन, वरुण ग्रोवर। इसका राइट आंसर है सी, रिद्धि सेन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया? 2013 में, 2005 में, 1919 में, 2012 में। इसका राइट आंसर है बी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4, 2014 की क्रिस्टी नीलामी में प्रसिद्ध पेंटर तैयब मेहता की पेंटिंग महिषासुर कितने रुपए में बिकी? 25.40 करोड़, 19.78 करोड़, 18.9 करोड़, 13.20 करोड़। इसका राइट आंसर है बी, 19.78 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है वह कहाँ मिला है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, झूकर। इसका राइट आंसर है सी, लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, जी एन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में है? दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जी एन टैगोर का मतलब है गगनेंद्रनाथ टैगोर, और उनके द्वारा निर्मित है बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग, ये कहाँ है? NGMA, LKA, IFACS, NM। इसका राइट आंसर है ए, NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसका राइट आंसर है ए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ललित कला अकादमी ने 59वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उड़ीसा के चित्रकार ज्योतिष प्रकाश सेट्टी के किस चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? जंगल, अनटाइटल्ड वन, डस्ट क्लीनर, डर्टी पॉलिटिक्स। इसका राइट आंसर है बी, अनटाइटल्ड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रिडा कोहलो किस देश से संबंधित कलाकार थे? जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिकन, इटालियन। इसका राइट आंसर है सी, मैक्सिकन कलाकार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध चित्र द येलो चेयर्स के चित्रकार हैं सेजान, माने, वान गॉग, पिकासो। इसका राइट आंसर है सी, वान गॉग। क्वेश्चन नंबर 10, पुनरुत्थान काल की चित्रकला में किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल, दोनातेलो। इसका राइट आंसर है बी, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 11, विनय पांडुरंग कर्माकर जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया? 1957 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1964 ईस्वी। इसका राइट आंसर है डी, 1964 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर, MF हुसैन, BC सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है सी, BC सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। क्वेश्चन नंबर 13, गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है?
पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। इसका राइट आंसर है डी, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के आगरा शहर में बने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति किस देश में बन रही है? जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन। इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 15। रहस्यमय पत्थरों की बनावट वाला स्टोन हेज का निर्माण इंग्लैंड के विल्टशायर में कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 20,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व, 2,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसका राइट आंसर है बी, 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16। एमएफ हुसैन अपनी किस कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? भारत माता, घोड़े, जमीन, इंदिरा। इसका राइट आंसर है सी, जमीन। क्वेश्चन नंबर 17। अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म कलर ऑफ अवसेंस बनाई थी जिसे 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी, जहांगीर साबावाला। इसका राइट आंसर है डी, जहांगीर साबावाला। क्वेश्चन नंबर 18। वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं? रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, लिखुनिया। इसका राइट आंसर है सी, मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 19। लगभग 2000 ईसा पूर्व के तांबे के बने यंत्रों के सैकड़ों उदाहरण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? गुनजेरिया, मलवा, कर्मागढ़, मोरेना। इसका राइट आंसर है ए, गुनजेरिया। क्वेश्चन नंबर 20। कालीबंगा से किस काल के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल, सैंधव काल, बौद्ध काल, मुगल काल। इसका राइट आंसर है बी, सैंधव काल। क्वेश्चन नंबर 21। छठी शताब्दी में किस विदेशी यात्री ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? फायान, सर टॉमस रो, अल्चिन, वेनसांग। इसका राइट आंसर है डी, वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 22। तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम उल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुए? निजाम शाह, हुसैन शाह, बुरहान शाह, कुली शाह। इसका राइट आंसर है ए, निजाम शाह। क्वेश्चन नंबर 23। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर है बी, किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 24। इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय की स्थापना 1968 ईस्वी में किस देश में हुई? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है सी, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वैदिक काल, मुगल काल। इसका राइट आंसर है बी, उत्तर मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर 26। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली। इसका राइट आंसर है बी, बूंदी शैली। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।